हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, ईएनटी स्पेशलिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, दैट इज ब्लडलेस टॉन्सिलेक्टमी और कन्वेंशनल टॉन्सिलेक्टमी। इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है और हमें किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और किन किन चीज़ों में ये काम आती है, क्यों हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। टॉन्सिलेक्टमी जनरली तभी की जाती है जब हमारे टॉन्सिल्स को हम बोलते हैं हमारे प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो हमारे को इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वो जब खुद हार मान जाते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, तो वो टॉन्सिल्स उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दैट इज़ अकाउंटेड टू ग्रेड 4 तक इसको काउंट किया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जब भी ग्रेड 2 से ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है और रिकरेंट हमको एपिसोड्स, मानो कि 6 मंथ्स में 4 to 6 times हमको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ रहे हैं, तो जनरली ऐसे केसेस में टॉन्सिलेक्टमी एडवाइस की जाती है, ताकि उन एंटीबायोटिक्स से हमारे और वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो आज रहता है कि सर टॉन्सिल निकालने से हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जनरली मैं सबको यही समझाता हूँ कि जब टॉन्सिल्स स्वेलअप हो जाते हैं तो वो अपना मेन काम करना छोड़ चुके होते हैं, जनरली रूडीमेंट्री हो जाते हैं। जैसे अपेंडिक्स एक रूडीमेंट्री ऑर्गन बन जाता है हमारी बॉडी में, वैसे ही टॉन्सिल्स भी रूडीमेंट्री हो जाते हैं, और उसको निकालने से हमको बेनिफिट ज़्यादा होता है और उसको रखने से हमें नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शन को ग्रैब करते हैं, एक पावर हाउस बन जाते हैं इन्फेक्शन का, जो बार बार कई बार ब्लड में भी इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया कर देता है, जो कई बार फिर एडमिशन, आईवी एडमिशन की भी हमको जरूरत पड़ती है। सो इसकी जो मेन टेक्निक होती है उसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। टॉन्सिलेक्टमी अर्लियर एज में सन 2000 से पहले एक कोल्ड स्टील मेथड से जनरली किया जाता था, या बाइपोलर कॉटरी से, उसमें मतलब उसको काट दिया जाता था। जनरली ब्लीडिंग काफ़ी होती है, काफ़ी लोगों के माइंड में या काफ़ी डॉक्टर्स के माइंड में जो लोग ENT से नहीं जुड़े हैं उनको अभी तक यही बात लगती है कि टॉन्सिल एक बहुत ही डेंजरस सर्जरी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लडलेस टेक्नोलॉजी को कॉबलेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कॉबलेशन टेक्नोलॉजी जनरली क्या करती है, प्लाज्मा जनरेट करती है। प्लाज्मा जनरेट करने से उसको टिश्यू को ब्लडलेस तरीके से खाया जाता है, उसमें कोई भी ब्लड लॉस नहीं होता। जनरली 5 to 10 ml ब्लड लॉस लेके चलते हैं पूरी सर्जरी के लिए, एंड दैट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव, एंड नाउ ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड इसको अडेप्ट कर लिया गया है टेक्नोलॉजी को विद इन 10 to 12 years, एंड वी आर सक्सेसफुली डूइंग अ लॉट ऑफ सर्जरीज ऑफ टॉन्सिलेक्टमी हेयर इन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, एंड वी आर गिविंग एज प्रोमिस्ड रिजल्ट टू आर पेशेंट्स। तो अगर आप आपको इन दोनों चीज़ों में से भी चूज़ करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर ब्लडलेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज उससे 3 ज़्यादा मेन फायदे रहते हैं। इट इज़ फास्ट, इट इज़ कन्वीनियंट एंड इट इज़ सेफ, जिसमें सबको ज़्यादा फायदा रहता है। थोड़ा सा मॉनेटरी इशू इसमें थोड़ा 15-20,000 का रहता है, बट दैट इज़ नॉट अ कॉल फॉर अ ह्यूमन बींग टू कॉल फॉर 15-20,000 व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। सो कोई भी अगर आपको और कोई क्वेश्चन जो टॉन्सिलेक्टमी के कारण लिए आपको पूछना है, आप हमको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम जनरली वीडियोस बनाते रहते हैं, तो जब भी हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं तो हम उसको वीडियो के तौर पर दोबारा शेयर करेंगे। थैंक यू।